का ये गूगल डेटा बताता है कि सर्च इंजन पर नरेंद्र मोदी के नाम से होने वाला सर्च 100% के अपर सर्किट को टच कर गया है। 100 करोड़ टीके ने नरेंद्र मोदी का सपोर्ट बेस भी बढ़ा दिया है। मोदी की अप्रूवल रेटिंग 71% तक पहुंच गई है। दोस्तों इसको आपको खेलने में से निकालना है और आपको लगाना है उसको। ये नया है, मार्केट से लेकर आया हूँ दोस्तों। ये मुझे 150 रुपये का मिला, बट ये मार्केट में 100-150 रुपये का मिल सकता है दोस्तों। मुझे महंगा मिला, पर ये ओरिजिनल है कंपनी का दोस्तों, चलेगा। ये हमने लगाया, इसमें लगाने वाला है दोस्तों, इसको निकाला और हम लगाने वाले इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे फिट कर दे दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ फिट करना है। देखिए दोस्तों फिट हो गए, अभी फिट नहीं होने वाला, तो फिर से निकालना है दोस्तों। निकालना है इसको, एक बार निकालना। इसको निकालना है, निकल गया दोस्तों। निकालने के बाद आपको पहले इसके अंदर डालना है दोस्तों। देख ले, इसमें कचरा नहीं होना चाहिए कोई भी। अगर कचरा वगैरह होगा तो फिर क्या है, वो फील करेगा अंदर से, इसको टच करेगा तो फिर आपको दिक्कत होगी या फिर ये जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो आप क्या अगर अच्छे से फूक मार देंगे, है ना, देख सकते हो अच्छा साफ होगा दोस्तों। कचरा दिख रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल। आपको अच्छे से बताने की कोशिश करना दोस्तों, कोई भी कचरा नहीं है दोस्तों। और ये कुछ डस्टबिन है, इसको साफ कर लेंगे हाथों से, फूक मार के साफ कर सकते हो दोस्तों। आप ये फूक मार के साफ कर सकते हो गया दोस्तों, साफ। देखिए अब आपको ये लगाना है इसके अंदर, आपको पहले ये ऐसे रखना है, इसके अंदर डालना दोस्तों। ये दोस्तों अंदर लगा रहा है। देखिए दोस्तों आपको बड़े ही आराम से बैठाना है दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं करना है दोस्तों। अगर आपसे ये ना लगे तो, अगर ये यहाँ पे लग नहीं रहा दोस्तों फटाफट, तो आपको क्या करना है बताता हूँ दोस्तों। आपको ये बोल्ट भी खोलना है दोस्तों, ये बोल्ट भी, एक बोल्ट मैंने खोल दिया दोस्तों, एक बोल्ट खोल दिया, ये बोल्ट भी आपको खोलना है दोस्तों। पहले खोल लेते जल्दी से, बोल्ट खोल लेते दोस्तों। अगर आपके भी कोयल ख़राब हो जाए या फिर एल्यूमिनियम, अगर ये एल्यूमिनियम आता दोस्तों, ये एल्यूमिनियम आता दोस्तों, देख सकते हो ख़राब हो गया दोस्तों। अगर आपका भी एल्यूमिनियम ख़राब हो जाए तो आप मेरा वीडियो देख कर आप एल्यूमिनियम चेंज कर सकते हो दोस्तों, है ना। स्टार्टिंग में आपको ये पेशकश की मदद से आपको ये स्क्रू खोलने पड़ेंगे, बस दूसरा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो खोलने के बाद ये ट्यूब होगा, ट्यूब को निकालना पड़ेगा दोस्तों। ये ट्यूब होगा, इसमें फंसा हुआ होगा दोस्तों, दोस्तों ये ट्यूब होता है, इसमें फंसा हुआ दोस्तों। तो आपको ये ट्यूब भी निकालना है यहाँ से, और बोल्ट खोलना है, बोल्ट सारे खोलने, और पेचकस मतलब से आपको ऊपर करना दोस्तों। तो देखो निकाल दिया जल्दी से, मैं यह बोल्ट खोल देता हूँ, जो जल्दी से मैं बोल्ट खोल देता हूँ दोस्तों। फिर आपको चेक करके बताऊँगा कि आपको एल्यूमिनियम कैसे फिट करना है। और आपको मार्केट में 50 या 60 या 100-150 रुपये मिल जाएगा दोस्तों। मैं कंपनी का लेकर आया हूँ, है ना, मेरे पास जो काफ़ी समय चला दोस्तों, बट अब ये ख़राब हो गया है। ये मेरे होटगन के साथ आया था दोस्तों, ये होटगन दिख रही है, इसके साथ आया था दोस्तों, अभी तक ये चल रहा था, अब ख़राब हो गया है। तो हम इसको चेंज करेंगे, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम बोलते हैं दोस्तों। इसको हम चेंज कर देंगे, हमारा होटगन चालू हो जाएगा, हमारी जो हीटिंग है वो गर्म आ जाएगी दोस्तों। ना ये भी खोलना है, ये बोल्ट आपको, ये बोल्ट भी खोलना है दोस्तों, जल्दी से बोल्ट खोल दे दोस्तों। बोल्ट संभाल के रखे हैं ना, देखिए यहाँ पे ये भी निकलना पड़ रहा है, ये निकल गया, ये हो गया अलग। अब मेन काम आ गया दोस्तों, इसको कर देंगे अलग। अब देखते हैं अब काम आता है मेन। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये रहना है, और आपको चेक करना है कि जा रहा है कि नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, देखिए नहीं जा रहा दोस्तों। ट्राई तो करना आपको दोस्तों, नहीं जा रहा, देख सकते हो। क्या करना बोलता हूँ बता दोस्तों, क्या करना है दोस्तों। ये नट दिख रहा है दोस्तों, आपको नट दिख रहा होगा यहाँ पे, आपको बताने, ये नट है दोस्तों। इसको अगर ऊपर करोगे तो खुल जाएगा,
और ऐसे दबाओगे तो फिटिंग हो जाएगा दोस्तों। ये मैंने लगा दिया दोस्तों, फिटिंग हो गया दोस्तों, देख सकते हो पूरा वायर अब फिटिंग हो गया है ना, देख सकते हो। अब मैं इस पर अब इसको फिट करने वाला हूँ दोस्तों, दोस्तों अब मैं इस पर फिट करने वाला हूँ, देखिए। अब आपको अंदर डालना दोस्तों, हल्के हल्के हाथ से देखो जा रहा दोस्तों, देख अगर ना जाए ना दोस्तों, अगर ये फिटिंग ना हो दोस्तों, तो आप इसको हल्का सा ऊपर कर सकते हो दोस्तों। देखिए मैंने ऊपर किया दोस्तों, है ना, ऊपर करने से अच्छे से फिट हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जा रहा अंदर दोस्तों, गया 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 गया, धक्का मारना दोस्तों हल्के हाथ से, है ना, और अच्छे से जान लेना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, है ना, कम्प्लीट फिटिंग हो गया दोस्तों, है ना। और एक बार निकालते हैं, फूक मारना, और फूक मारने से क्या है, कुछ भी कचरा वगैरह होगा तो निकल जाएगा रेस्ट में, है ना। अब आपको फिट से लगाना, देखिए आप फिट हो गया दोस्तों, और आपको फिट ही करना दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे प्रेस करना ये दोस्तों। और ये यहाँ पे आपको साइड में लेना, साइड में लेना, ये प्रेस कर सकते दोस्तों, काफ़ी मजबूत है। जो मेड इन इंडिया हो, किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर दोस्तों देना। अब क्या करना है, यहाँ पे तो फिटिंग हो गया, अब यहाँ पे बाकी फिटिंग करने के लिए, फिटिंग करने के लिए आपको ये जो नट दिख रहा है, आपको पेस्कस के साथ साइड में लेना पड़ेगा, काफ़ी मुश्किल हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी मजबूत है दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से फिट हो गया दोस्तों। आपको ये हिलाना नहीं दोस्तों, जैसा है वैसे रखना आपको, और आपको हल्के से हिलाना, और जैसे था वैसे ही आपको फिट करना दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं फिट कर रहा दोस्तों, मेरे से हिल गया दोस्तों, फिर भी मैं फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से बैठाने की। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बैठ चुका अच्छे से दोस्तों, और चाहो तो आप इसे घुमा सकते हो, अगर फिट ना बैठे तो। देखिए दोस्तों, है ना, ये फिट हो गया है, अभी मजबूती से बैठ जाएगा, और फिर ये अच्छे से काम करेगा दोस्तों। तो हम जल्दी से इसको फिटिंग कर लेते हैं दोस्तों। जैसे तो यहाँ पे बेल्ट लगा दिया, यहाँ पे नट आते हैं वो मैंने लगा दिए, बेल्ट एक होता है नुकीला, इसको चिपकाना बस, कुछ नहीं करना दोस्तों। अब ये फिटिंग हो गया दोस्तों, देख सकते हो अब अच्छे से फिटिंग हो गया। अब यहाँ पे मुझे ये फिटिंग करना है, ये लगा दिए, अब यहाँ पे बोल्ट लगाना है, ये रखना है बस, ये करने के बाद अच्छे से फिटिंग हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जमाना दोस्तों मुझे, देखिए है ना, अब इसमें बोल्ट लगाना है, अच्छे से फिटिंग हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों एक बोल्ट फिट होगा, दूसरा बोल्ट फिट करने वाला, पहले हाथ से कर लें और बाद में पेस्कस की मदद से कर लें दोस्तों। टाइट फिटिंग करना ताकि ये वायर दोबारा हिले ना, अच्छे से फिटिंग करना दोस्तों को। ये देखिए फिटिंग, मजबूत फिटिंग करो दोस्तों। और यहाँ पे ये भी बोल्ट थोड़ा ढीला हुआ है, इसको फिटिंग कर लें। देखिए दोस्तों फिटिंग हो गया दोस्तों, अब लास्ट काम बचा इसको पैक करने का, क्योंकि यहाँ पे मैंने नया लगाया दोस्तों, और फिर से इसको एक बार अच्छे से फिट कर लें, ऐसे अच्छे से फिट कर दें। देखिए अभी जम गया है ना फिटाफिट, है ना, अब कुछ नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पे अभी इसका ही लगाने वाला दोस्तों, इसको अच्छे से फिटिंग करना, नहीं तो अगर अच्छे से फिटिंग नहीं करोगे तो फिर अच्छे से पैकिंग नहीं हो पाएगा दोस्तों, और पैकिंग नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत देगा दोस्तों। ये दोस्तों अच्छे से इसको जमा लिया दोस्तों, आपको अच्छी फिटिंग देनी दोस्तों उसको, ये हैंडल ढीला नहीं रहना चाहिए दोस्तों। दोस्तों आपको ये फिटिंग अच्छे से करना दोस्तों, देखिए कहीं से भी अगर अच्छे से फिटिंग रहेगी दोस्तों, अगर कहीं से भी एयर नहीं निकली दोस्तों, अगर कहीं से भी एयर निकली
आपकी जो यहाँ से एयर जाएगी, एयर यहाँ से आपकी एयर जाएगी तो यहाँ से बाहर निकलेगी दोस्तों। तो आपको अच्छी फिटिंग करनी दोस्तों, अच्छी फिटिंग चाहिए, वो हैंडल हिलना चाहिए। अगर हैंडल हिलेगा समझ लो अच्छी फिटिंग नहीं है। तो हैंडल देखो कितना मजबूत है, नहीं हिल रहा है तो अच्छी फिटिंग हो गया दोस्तों। उसमें जल्दी से हम बोल्ट लगा देते दोस्तों, बोल्ट लगा के फिर चेक कर लेंगे। तो बोल्ट लगा दोस्तों उसमें, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम फिट करने की कोशिश करें दोस्तों। जल्दी से हम ये स्क्रू लगा दें दोस्तों, फिर आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखो अच्छी फिटिंग होने की दोस्तों। देखिए ये देखिए दोस्तों, अब देख सकते हो कहीं से भी एयर नहीं निकल पाएगी दोस्तों, देख सकते हो। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा देते हैं, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें, एल्यूमिनियम चेंज करते समय, एल्यूमिनियम चेंज करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि जो जैसा है सबको वैसे ही फिट करना दोस्तों। नहीं तो कहीं से भी अगर आपकी एयर निकली तो फिर एयर बहुत कम आएगी आपके लिए, आपकी हीटिंग अच्छी आएगी पर एयर बहुत कम आएगी, तो आपके क्या है कि कुछ भी सॉकेट वगैरह निकल नहीं पाएगा दोस्तों। और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों, इसके लिए सॉरी माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, बट आपको अच्छे से बताऊँगा इस वीडियो में। और वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, वीडियो को स्किप ना करो दोस्तों। देखिए ये अभी भी फिटिंग नहीं हुआ, अब हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे एक बोर्ड लगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए अभी फिटिंग नहीं हुआ, ये बाकी यहाँ बोर्ड लगा दोस्तों को, जल्दी से हम बोर्ड लगा दोस्तों। दोस्तों अगर आप कभी होटगन का एयर हीटिंग ना देते, आप सिर्फ अपने आसपास के मार्केट में जाएं और एल्यूमिनियम लेके आएँ, और मेरा वीडियो देख के आप चेंज कर सकते हो अपना एल्यूमिनियम, और आपका होटगन आप घर पे रिपेयर कर सकते हो। अच्छा फिटिंग हो गया, अब ये फिटिंग में ये भी हो गया, उसके लिए मेरे को चाहिए नली दोस्तों, नली लगाएंगे और अच्छे से फिटिंग कर देंगे दोस्तों। ये हमने लगाया नली, और नली को अच्छे से फिट करें दोस्तों, है ना। देखिए दोस्तों ऐसे ऐसे करते रहना, जैसे जो दूर से दबाना दोस्तों, क्योंकि मेन चीज़ है नली भी अंदर फिटिंग होनी चाहिए अच्छे से। देखिए दोस्तों, देखिए कितनी अच्छी फिटिंग होगी दोस्तों, यहाँ पे ये बाहर निकल, जोर से दो बार पकड़ दें। देखिए दोस्तों ये मजबूत फिटिंग हो गई दोस्तों, और होटगन यहाँ पे रेडी हो गया दोस्तों। अब इसको चेक करने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा, बाकी नली ख़राब हो गई है, करते दोस्तों इसका भी उपाय। तो इस होटगन को हमने रिपेयर कर दिया और इसमें एल्यूमिनियम चेंज कर दिया दोस्तों, है ना। तब ये होटगन रेडी हो गया दोस्तों, और ये गन रेडी हो गया दोस्तों। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।